गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर डे। कैसे भाई रहो, मजे में? ऐसे मजे में बने रहो। और अपन अभी रेडी हो गया, सुबह से थोड़ा सा ना लेजी रहा, बड़ा मतलब बैड पे पड़ा रहा, मोबाइल स्क्रॉल करता रहा, इस सब में लगा रहा। बट अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया, सीधे ऑफिस चलते हैं। ऑफिस से मीटिंग जो भी होगा देख लेंगे, बट आई एम सेट। इट्स सैटरडे यार, सैटरडे ना छुट्टी। सैटरडे ना एक थोड़ी सी अलग ही वाइब्स होती है, पता है? मतलब छुट्टी तो नहीं होती, वो तो वर्किंग है, सिर्फ संडे छुट्टी होती है अपनी तो। बट लेकिन ना पता नहीं क्यों सैटरडे ना अलग सी वाइब्स होती है, ऐसा लगता है पार्टी वाला दिन है। हालांकि कोई पार्टी नहीं होगी, लास्ट नाइट पार्टी होगी है। सो अभी कोई पार्टी वार्टी का सीन तो है नहीं, शाम तक क्या बन जाए कुछ नहीं पता। बट इंजॉय करते हैं सैटरडे को काम करते हुए। फिटनेस तो देख ही सकते हो भाई की, जिम विम छोड़ रखे अभी अच्छे खासे, उसके बावजूद भी टमी अमी है ही नहीं भाई, एकदम फिट एंड फाइन। सो भाई अपन रेडी है निकलने को बिल्कुल। आज नॉर्मल डे से थोड़ा सा मैं जल्दी रेडी हो गया। एक्चुअली क्या सीन था, मुझे जाना था गुड़गांव, लेकिन गुड़गांव वाली मीटिंग हो गई कैंसिल, तो इसलिए मैं जल्दी रेडी हूँ। अभी सिर्फ ऐसे पूरे 10 बज चुके हैं, स्टिल मैं निकल रहा हूँ। हालांकि नॉर्मली 10:15, 10:20, 10:25 तक निकल जाता हूँ, 10:30 से पहले निकल जाता हूँ, 10:15 और 10:30 के बीच में। आज 15 मिनट पहले हूँ, तो 15 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ ऑफिस, क्या दिक्कत है। मौसम भाई खुला खुला सा है, थोड़ा धूप हल्की है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आउटसाइड टेम्परेचर 32 है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। गाड़ी के अंदर ही मैं इसको ऑटोमेटिक 20 पे लगा के बैठा हूँ। तो अभी यहाँ से सीधा मैं निकल रहा हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सब जगहों में जाना मुझे मीटिंग करना सही लगता है, क्योंकि ना इन जगहों में जाम वाम नहीं लगते, तो जहाँ पे जाम नहीं लगते, पार्किंग आराम से मिल जाती है, वो सारी जगह सही लगती है भाई ऐसी कंडीशन में ना। तो वेल सुबह सुबह तो वैसे भी कोई जाम नहीं होगा उस तरफ, तो जहाँ मैं जा रहा हूँ चलते मीटिंग वीटिंग करते हैं नोएडा से। भाई जान बच गई एक फैमिली की ना, एक हस्बैंड वाइफ की जान बच गई। जस्ट अभी भी मेरे पीछे ही है, वो भी दिख जाए अगर। एक गाड़ी में बैठे भी एक बंदा है, उसने गाड़ी में बिठा के आगे ड्रॉप करने को बोला है। हुआ का सीन, मैं अभी सीधा सीधा चल रहा था, मेरे आगे भी एक गाड़ी थी और उस गाड़ी के आगे एक टू व्हीलर पे हस्बैंड वाइफ, ठीक है? अब सीन क्या हुआ, उन हस्बैंड वाइफ के लेफ्ट में एक बस, आगे गाड़ी वाले ने उसमें बाइक वाले में टच करी और बस के आगे भाई दोनों गिर गए। बस वाले ने जो ब्रेक मारी ना, इमरजेंसी ब्रेक लगा के फुल एकदम, वो आगे वाले टायर के नीचे थे भाई, ऐसी हालत थी। चोट नहीं लगी बहुत ज़्यादा, माइनर चोट है लेडी को, घिरौचे विरौचे ग्रॉस व्रॉस तो आई जाती है ऐसे में, बट भाई साहब सीरियसली जान बची। मेरे डैश कैम में रिकॉर्ड है, अभी गाड़ी लगा के साइड में पूरी रिकॉर्डिंग निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ भाई। मैंने भी चेक नहीं करी, अभी चेक करूँगा। बट भाई साहब जान बच गई सीरियसली, उस बस वाले ने सही टाइम पे ब्रेक लगा दी, वहाँ सब सेफ हो गया। और अच्छी बात ये थी कि अभी भी पीछे एक वरना वाला भाई है अपना, उसने कहा कि मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूँगा, कोई बात नहीं। बाइक वाला तो बाइक चला रहा है, उसकी वाइफ को थोड़ी चोट ज़्यादा लगी है, तो उसको उसने गाड़ी में बिठा लिया, वो आगे छोड़ देगा। बट यार बस वाले की अगर ब्रेक सही ना लगी होती ना भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा हो सकता था, सोच से परे। अभी तो सिर्फ ग्रॉस व्रॉस आई है, और तो और वो पब्लिक उसमें चिल्लाने पड़ गई, सही से नहीं चला रहा ये और वो। मैं दौड़ के भागा, मैंने बोला मैं इनके पीछे चल रहा था, इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती गाड़ी वाले की। जो भाग गया वो नहीं रुका गाड़ी वाला भाई, गाड़ी वाला भाग गया। मैं दिखाता हूँ अभी ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये गाड़ी मेरे लेफ्ट से निकली, XUV 300 है, और जैसी आगे गई ना, अभी दिखाता हूँ, रुको मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा यहाँ से। देखो ये देखना, ये सडनली लेफ्ट होगी गाड़ी, ये बस के नीचे, शिट। साफ साफ दिख रहा है रिकॉर्डिंग में, साफ साफ XUV 300 लग रही थी मुझे तो गाड़ी देख के, तो दूर से व्हाइट कलर की, उसने एकदम चलती गाड़ी यू लेन चेंज कर दी, लेफ्ट ले ली और उसकी गाड़ी बाइक में टच हो गई। उसकी किस्मत अच्छी थी, ब्रेक लगा दी बस वाले, लेफ्ट सीधी काट मार, सीधा उसने लेफ्ट में करी बस और भाई ब्रेक मार दिया इमरजेंसी ब्रेक। और रिकॉर्डिंग में क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर कि भाई किसकी गलती है, क्या गलती है, मतलब यार। और बंदा साफ गया, रुका ही नहीं, मतलब ही नहीं उसने, और स्पीड आगे साफ गया, वो रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है बंदा, यार कमाल है यार। अगर तुमसे गलती से कोई लग गई भाई किसी को, तो भागो तो मत, देख तो लो भाई तुम्हारी वजह से किसी को चोट लगी है, इतना तो कर सकते हो उसे हॉस्पिटल ले जाओ, इतना तो कर सकते हो उसकी चोट मरम पट्टी करा दो भाई, गरीब आदमी था वो,
एक्चुअली वो लेबर क्लास आदमी था, उसको भाई ऐसे में हेल्प कर देता तो क्या बिगड़ता था बंदे का। अभी भी तो एक गाड़ी वाला उसे बिठा के ले गया, हम दो चार गाड़ियां और कम से कम 10-12 बाइकें वहां रुकी, उनको उठाया बिठाया कुल्ला उल्ला कराया, तो इसमें क्या बिगड़ जाता वो बंदा अगर रुक जाता तो। लेकिन ऐसे साफ निकला भाई, मैं इसको जूम कर करके इसका अगर नंबर निकल गया ना गाड़ी, देखो नंबर दिख जाएगा, हो सकता है जूम करके थोड़ी क्वालिटी अगर डाउनलोड करूँ अच्छे से तो इसको, बट मैं ना इसकी कंप्लेंट डाल दूंगा। कैसे भी होगा ना, कुछ भी नहीं होगा तो भाई पुलिस की वेबसाइट पे कहीं भी कुछ भी करके भाई हिट एंड रन है यार, भाग गया बंदा चोट मार के किसी को, उसे मतलब ही नहीं, और पता नहीं मुझे उसे पता भी है नहीं पता यार कि उसे मारी है किसी को, और सीधा चलती हुई गाड़ी देखे एकदम से लेफ्ट दबा दी उसने, हद है यार। नहीं मत चलाओ ना गाड़ी, अगर चलानी नहीं आती तो भाई बहुत चलो, बट भगवान का शुक्र है कि भाई वो लेडी को ज्यादा चोट नहीं लगी, उसके मुंह से थोड़ा सा खून आया था, लिप्स वगैरह फट गया था, थोड़ी घिरौच उड़ौस थी शोल्डर पे, बट वैसे सीरियस चोट कुछ नहीं है उसको। आई होप वो 2-4 दिन में रिकवर करके अब सही हो जाएगा, सब सेट होगा, बचगी किस्मत बचगी। कल भाई मैं मीटिंग वाली लोकेशन में पहुंच गया हूँ, और जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई है ना, मुझे थोड़ा सा आगे चलते ही वो लोग फिर से मिल गए थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, और वो रिकॉर्डिंग मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे दे दिया। हालांकि गाड़ी का नंबर मैं जूम करके देख रहा हूँ तो नजर नहीं आ रहा है, बट हमें मालूम पड़ेगा जिस पॉइंट पे वो है। अब आगे और पीछे तो कैमरे लग रहे हैं, व्हाइट कलर की एक्सयूवी 300 दिख रही है, तो उस बंदे को मैंने रिकॉर्डिंग दे दी है। मैंने कहा वहां पे जाके कंप्लेंट कर दे, और ये रिकॉर्डिंग अपना आप निकल गए, रिकॉर्डिंग से उस कैमरे पे जो भी नजदीक में कैमरा है ना उससे गाड़ी का नंबर मिल जाएगा, और भाई तेरे पे हिट एंड रन का उस बंदे पे केस लगेगा लगना भी चाहिए यार, कंप्लेंट होनी जरूरी है ना ऐसे बंदे की, यार लग जाती है भाई, गलती किसी से भी हो सकती है, भाग जाओ वहां से, ये क्या हुआ, मदद तो कर दो कम से कम, तुमसे गलती होगी, हो सकता है ड्राइवर अनट्रेंड रहा होगा, सीख रहा होगा, गलती से हो गया, जो भी मैटर रहा होगा, लेकिन भाई वहां रुक जाता किसी की मदद कर दे तो क्या बिगड़ जाता, जब गलती हुई है तो थोड़ी सी मदद करनी भी बनती है। वेल मैंने तो उस बंदे को भाई व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग दे दी है, वो मुझे लगा दे देनी चाहिए, मुझे ऐसे मिला उसको रोका, मैंने कहा भाई ये रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप चलाता था, मैंने कहा ले नंबर, उसको मैंने सेव कर दी व्हाट्सएप पे, मैंने कहा कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट कर दियो, नंबर यहाँ नहीं दिख रहा लेकिन वहाँ अगल बगल में जो भी पहला कैमरा होगा जो हाईवे पे होते हैं उससे मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं नोएडा मीटिंग वाली लोकेशन पर आ चुका हूँ, मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद बात करते हैं भाई। तो यार 1:40 हो गया और मैं ऑफिस के नीचे में गाड़ी खड़ी करती पार्किंग में, सीधा चलते हैं ऑफिस, लंच करते हैं, लंच में लेके आ रखूँ घर से, तो सीधा नॉर्मली अगर बाहर होता तो गाड़ी में करता, बट ऑलरेडी ऐसे टाइम पे फ्री हूँ जैसे कि ऑफिस के बाहर ही हूँ तो ऑफिस में बैठ के कर लेते हैं। वैसे भी लंच मेरा फेवरेट है, राजमा राइस, आई लव राजमा राइस विद रायता, मेरा फेवरेट राजमा राइस और घर का रायता, अलग ही मजा आता है, ये होता है अपना लंच, फेवरेट लंच। भूख लग रही है मुझे जोर से, हालांकि टाइम सिर्फ 1:46 हुआ है अभी, बट मेरे को उस टाइम तो भूख लग जाती है, 1:30 बजे ब्रेकफास्ट हल्का होता है ना मेरा, इसलिए जल्दी भूख लग जाती है, लंच करता हूँ मैं पहले। भाई शाम के 7:10 हो चुके हैं और मैं अभी नोएडा में हूँ, मैं गया था ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से वापसी में हूँ, और ऑलमोस्ट मतलब नोएडा में आ चुका हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट का रास्ता गूगल दिखा रहा है घर पहुँचने का, बट भाई मौसम ने आज भरपूर साथ दिया। एक बार को तो धूप आ गई थी, एक आध घंटे के लिए ऐसे भी आता कि धूप आ गई थी, बट अभी पिछले बहुत देर से देख रहे हो मेरे पीछे सनरूफ में अभी भी बारिश है, अभी थोड़ी हल्की है बट अभी भी चल रही है बूंदाबांदी, लेकिन भाई पूरा दिन आज भी मस्त यार, थोड़ा सा इधर उधर करके बहुत निकला, बट अभी अपन चलते हैं घर पे, सीधा अगले 15 से 20 मिनट घर पहुंच जाऊंगा और फिर आराम करके भाई घर बैठ के, थकान हो जाती है कभी कभी, थकान हो जाती है कभी कभी, तो ऐसे पूरा दिन बैठे में निकल जाता है, कभी कभी मस्त थकान हो जाती है, तो लिटिल बिट थकान है। मंजू मम्मी और पूनम तीनों शॉपिंग करने गए थे, अभी जाके वो भी चेक करना है क्या शॉपिंग करके लाए हैं, आ चुके हैं घर पे, ये तो बात हो गई घर आ चुके हैं, अब लेट्स सी क्या शॉपिंग करी है। लो भाई हम निकल गए नोएडा से, दिल्ली में एंटर हो गए और दिल्ली की एंट्री पे रेड लाइट पे, और सामने देखो इंडियन फ्लैग, इस वाली बारिश में गजब का अच्छा फील दे रहा है, ऐसी हवा चलती रहे ना कितना अच्छा लगता है, फ्लैग ग्रीन मिल गई हमें और हम भाई दिल्ली में एंटर हो चुके हैं अभी, और यहाँ से तो बस 10 मिनट से भी कम टाइम में घर पहुँचाऊँगा। सो भाई बारिश के साथ थोड़ा जाम वाम तो हो ही जाता है, जाम से और थोड़ी थकान हो जाती है, बट फाइनली आई रीच्ड, घर पहुँच गया हूँ मैं। क्या बनाया भाई? कुछ नहीं बनाया। क्या बनाया ये बता? नहीं किचन में क्या बनाया? अरे लाइट में होना है ऐसे, लाइट अभी आई हूँ मैं मार्केट से। हाँ शॉपिंग वगैरह क्या ले दिखाइए अभी कुछ नहीं मिलेगा ये ना कितनी शॉपिंग होगी पैसे वैसे दे दा के आ जाते हैं और हमें दिख रहा भी नहीं क्या लाए हैं। क्यों भाई क्या चल रहा है? मेरा आते बंद कर दिया गेम, नहीं गेम खेल रहा था ना, गेम खेल रहा ना
मान जा भाई। तो भाई फाइनली ये बंदा पकड़ा गया फिर से गेम खेलते हुए। ओए तुम्हें एक दोनों सुन एक बात बतानी भूल गया। आज ना डैश कैम में भाई इतना खतरनाक एक्सीडेंट कैप्चर हुआ, किसी की जान बची। तो मैं रिकॉर्डिंग्स दिखाऊंगा, बहुत डेंजर एक्सीडेंट और वो डैश कैम में रिकॉर्डिंग है। बट मैंने वो रिकॉर्डिंग निकाल के उन्हें दे दी, जाओ पुलिस कंप्लेंट कर दो, गाड़ी वाले भाग गया किसी को हिट करके। मैंने रिकॉर्डिंग निकाल के गाड़ी नंबर दे के सब उन्हें दे दिया और पुलिस कंप्लेंट करवा दी उसकी बंदे की। मोबाइल में डाउनलोड दिखाऊंगा, चेंज कर लेते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मेरे चेंज हो जाए इस टाइम तक आते आते ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है भूख के मारे। सिस्टम है भाई सिस्टम, पूछो सिस्टम क्या है। मैं पिछले दो एक दिन पहले गया था, मेरे बहुत दिन से मन हो रहा छोले भटूरे खाने का। अब मंजू और मम्मी आज मार्केट में थे ना, छोले भटूरे लेकर आए मेरे लिए, पता नहीं स्पेशली मेरे लिए, बट खाना ना बनाना पड़े इसलिए ले आएंगे, बट छोले भटूरे मिलेंगे खाने को चांदनी चौक वाले। तो मस्त है भाई, देखो चांदनी चौक के भटूरे एक नंबर टेस्ट है, एक नंबर, मजा आ गया, एक बाइट में मजा आ गया। खास छोले ना अलग तरह से ही है, देखो छोले की क्वालिटी, सैलेड लवली भाई, तृप्ति होगी मजेदार। तो भाई अभी आज के मिले जुले दिन को करते हैं खत्म। थोड़ी थकान रही ट्रैफिक व्रैफिक से, थोड़ा सा थकान रहा। आई होप यार वो लेडी को चोट वोट ज्यादा ना लगी हो ना, वो आराम से अपने ठीक ठाक हो जाए। उन्हें केस करना है, करें ना करें बाद की बात है, चोट से रिकवरी जल्दी हो जाए। कोई ऐसी चोट ना हो जो कि अभी पता ना लग रहा हो, उन्हें बाद में पता लगे, आई होप। और भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी कभार किसी गलती हो जाती है तो भागने की जरूरत नहीं है वहां से यार। आप ऐसे में किसी की गलती मेरे से भी कभी हुई होगी, बट भागो ना वहां पर, रुक जाओ, उनकी मदद कर दो ऐसे में। भाई जानवर के कोई नहीं मारता, उस गाड़ी वाले की उनसे कोई दुश्मनी तो होगी नहीं जो हिट करके भागेंगे, लेकिन भागने से लगता है ऐसे में। इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने उनकी डिटेल्स भी आगे फॉरवर्ड इसीलिए करी। वेल जो भी है, सो अभी के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, थकान हो गई भाई, आराम करते हैं, लेट जाते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नई मस्ती, नए ब्लॉग, नए दिन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।